जी हाँ, आप देख रहे हैं एसटीएम मारवाड़ी। हम जानेंगे गेहूं के भाव आने वाले समय में कैसा रहेगा, वर्तमान में गेहूं के भाव कैसे चल रहे हैं। इस वर्ष पिछले साल की तुलना में गेहूं का रेट दुगुना बढ़ोतरी देखने को मिली। 2023 में केवल देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में भी गेहूं के दाम दुगुनी होने की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसे यह देश में किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वर्ष सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य यानी MSP की बात करें तो केवल नाम मात्र किसानों ने MSP मूल्य पर गेहूं बेचने में रुचि दिखाई, बाकी अधिकांश किसानों ने अपनी फसल को बाजार में बेचकर बहुत अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। अभी भी ऐसे बहुत किसान हैं जिन्होंने अपनी फसल को स्टोर करके रखा है, उन्होंने अपनी फसल का बाजार में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त लगातार कर रहे हैं। लेकिन हम जानेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण लगभग पूरे विश्व और आयात निर्यात के साथ साथ बहुत सी चीज प्रभावित इस युद्ध के कारण हुई, जिस कारण बहुत से उत्पादन की कीमतें बढ़ी और यूक्रेन युद्ध के कारण लगभग पूरे विश्व में खाद्यान्न की कमी रही। गेहूं का भाव अत्यधिक बढ़ गया, जिससे विदेश में गेहूं की मांग बढ़ी और सरकार ने भी खाद्य फसल की बढ़ोतरी का निर्देश दिया। आज हम गेहूं का रेट बढ़ने की बात करें तो गेहूं का रेट बढ़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण लगभग पूरे विश्व प्रभावित हुआ, जिसके बाद गेहूं के भावों में बढ़ोतरी आरंभ हुआ और रूस और यूक्रेन दोनों ही देश के गेहूं के मुख्य निर्यातक हैं। इन देशों में अधिकांश जगहों पर गेहूं निर्यात किया जाता, जिसके चलते कोई आयात व निर्यात न हो पाया। जिस वर्ष भारत ने कई देशों को गेहूं का निर्यात किया, इस समय भारत विश्व को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले मुख्य देशों की सूची में शामिल हो गया। हाल ही में ये बात सामने आई है कि अब गेहूं के भाव का बढ़ना घरेलू मांग सरकार की नई निर्यातित नीति पर निर्भर करेगा। देश के लगभग सभी मंडियों में गेहूं की कीमत अच्छी देखी जा रही है, जहां गेहूं की कीमत टॉप क्वालिटी के हिसाब से 2800 तक भाव बाजार में देखने को मिल रहा है। इस बार नई फसल आने से गेहूं का भाव दुगुना होने की आशंका है, लेकिन 2023 मई के अंतिम दिनों में गेहूं के निर्यात पर रोक लगने से इसके भाव स्थिर हो गए और आगे भी इसके भाव का कोई खास गिरावट नहीं देखी जा सकती है। आगे भी इसके भाव 100 व 300 रुपये तक गड़द व बढ़त के साथ बने रहेंगे। गेहूं के भाव से संबंधित आप लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में आपको लगातार देते रहेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही किसानों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट रोजाना मिल सके। धन्यवाद।